लखनऊ वासियों, लखनऊ के प्रसिद्ध पार्क बुद्धा पार्क को अब आप लोग देखने के लिए फिर से तैयार हो जाइए, क्योंकि इस पार्क का कायाकल्प होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रेक्षा पांडे और आप देख रहे हैं hindnews.live। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के प्रसिद्ध पार्क गौतम बुद्धा पार्क में, जहां इस पार्क की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। जी हां, क्योंकि अगर आप इस पार्क में पहले आए हो तो आपने देखा होगा कि इस पार्क में कई आकर्षक झूले, बोटिंग और तरह तरह के पेड़ पौधे आपको दिखाई देते थे, लेकिन अब इस पार्क की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। कैसे, वो तो हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे, जिसके लिए आपको हमारे साथ वीडियो में बने रहना होगा। इसके साथ ही हम आपको वीडियो में ये भी बताएंगे कि ये पार्क जो है, जो रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, वो किस थीम पर बना हुआ है, इस पार्क का टिकट कितना होगा और आखिर इसमें क्या क्या अलग होने वाला है, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है इस पार्क में। कहा जा रहा है कि जो पार्क बन रहा है, ये पार्क दिल्ली के एक पार्क की थीम पर बेस्ड है, जहाँ पर वेस्ट मटेरियल से, यानी जो चीज़ें इस्तेमाल नहीं की जाती, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके यहाँ पे काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें जो है वो बनाई जाएंगी। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा ताकि इस पार्क से जुड़ी सारी खबर आपको मिल जाए। तो आइए चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, आपका नाम? कृणाल कहार। कृणाल जी, पहले तो इस पार्क की थीम के बारे में बताइए कि ये जो पार्क दोबारा से बन रहा है, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हैप्पीनेस पार्क है। ये जो हमारे यहाँ के जो पर्यटन के जो भी अंदर आएंगे तो वो थोड़ा खुश मिजाज हो जाए, इस तरीके से हमने ये पार्क को बनाया है। इसमें कुछ उल्टा पुल्टा बनाया है, फिर जो लुप्त हो गए वो गेम बनाए हुए है, फिर सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है, फिर एक फिल्म इंडस्ट्री के पूरे जैसे के स्टार लोग है, तो उनका भी एक अलग अलग सब एरिया बनाए हुए इसमें, जो पब्लिक अलग अलग जगह पर जाकर हम अपना जो हैप्पीनेस एक महसूस करे, उस तरीके से हमने ये पार्क को बनाया है। अच्छा, हमने सुना था कि इस पार्क में वेस्ट मटेरियल से जो है मतलब वेस्ट चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं इसमें? वेस्ट मटेरियल में हमें LDA ने सारा जैसे कि कबाड़ दिया, गाड़ी दिया है, फिर कोई लारी होती है जो ठेला वेले का होता है, तो उसके जितने भी हम जैसे कि गाड़ी के इंजन के पार्ट है, जो जैसे कि इंटरेस्टिंग पार्ट होते हैं, उसको कट कर करके वो फॉर्म जिस तरीके से एडजस्ट होता है ना, उसको हमने यूज़ कर, यानी उस तरीके से सुंदर दिखे, उस तरीके से यूज़ किया हुआ है। आपने बोला कि विलुप्त होते हुए जो हमारे पहले के गेम्स थे, जो आज के टाइम में, क्योंकि अब तो मोबाइल फोन्स आ गए हैं तो बच्चे ज़्यादातर फ़ोन में घुस जाते हैं, तो किस तरह के गेम है, कौन कौन से गेम है, उन गेम्स के बारे में थोड़ा बताइए। गेम है, एक लट्टू है, कंचा खेलने वाला है,
फिर गिल्ली डंडा है, वो टायर वाला है जो गांव में खेलते हैं, उस तरीके से काफी से गेम हमने बनाए हुए हैं, कोशिश की है। और जनता से भी कुछ अपील करना चाहेंगे कि वो आए और इस पार्क में, हाँ यहाँ पर आएंगे तो जनता खुश होकर जाएगी यहाँ पर आएंगे तो, क्योंकि इसे जो परेशान हो तो यहाँ पर वो परेशानी सारी दूर हो जाएगी। अच्छा, यानी स्ट्रेस अपना यहाँ से दूर 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 कर सकते हैं। ओके, क्या लग रहा है कि ये जो पार्क है वो कब तक में बन के तैयार हो जाएगा? ये पार्क है एक दो महीने के अंदर अंदर फिनिश हो जाएगा अभी, क्योंकि कुछ कुछ काम ही बाकी है, फिनिशिंग वर्क ही बाकी है अब। कमेंट करके बताइए कि क्या गौतम बुद्धा पार्क के दोबारा बनने के बाद आप इस पार्क में आना चाहेंगे या नहीं, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारे चैनल hindnews.live को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी भी लेटेस्ट खबरें हों वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। जय हिंद, जय भारत।